हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप जैसा लहसुन देख रहे हैं मेरे सामने, और ये लहसुन आप देख पा रहे होंगे बहुत पतला है, बहुत छोटा छोटा है, जिसको छीलने में बहुत टाइम लगता है। ज़्यादातर मोटा होता है जैसा ये, मगर ये मैंने पिछली बार जो है वो घर के सामने मिला तो मैंने यही खरीद लिया था, और अभी बहुत परेशानी हो रही है इसको छीलने में। अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको कलियों को अलग अलग कर लेते हैं, और इसमें से जितना भी हम इसका छिलका वगैरह उतार सकेंगे उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, छिलका इसका जो हम पाउडर बना के रखते हैं बहुत अच्छा होता है, यानी आप मार्केट से खरीद के लाएंगी बहुत महंगा मिलता है, घर में ही यदि आप बना लेंगी तो। अभी गर्मियाँ हैं, गर्मी के मौसम में धूप भी अच्छी पड़ रही है, और हम इसे फटाफट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। जैसे अब ये इस तरह का है, सूखा है, या इस तरह का इसका छिलका हम निकाल दें। हाँ, ये इसकी जो डंडियां हैं, इसका जो बड़ा सा भाग है ये निकाल लें, ऊपर वाला है डंठल दिखाई दे रहा है, इसको निकाल दें। ये देखिए, इस तरह से मैंने अलग किया, ये कचरा इतना निकल गया, इसका छिलका वगैरह अभी और भी निकल जाएगा। और इसमें अगर सूखी है, बिल्कुल सूखी है, तो ही निकालिएगा। कुछ लोग जो हैं इसको एक एक कली को छीलते हैं, मगर मैं कभी छील करके नहीं करती हूँ। जितना निकल पाएगा उतना हम इसको इससे इसका जो छिलका है वो ऊपर वाला निकाल देंगे, अदरवाइज इसको फिर हम अगला वाला प्रोसेस करेंगे। तो इसको कुछ अब हम निकालने के लिए इसको कुछ ऐसे पिछोड़ भी सकते हैं दोनों हाथों की सहायता से, ताकि इसका छिलका बाहर नीचे निकल जाए। जब हम इसको पिछोड़ते हैं तो इस तरह से इससे निकल जाते हैं छिलके। देखिए, इतना हमारा इसका निकल चुका है, और ये देखिए यहाँ इतना साफ़ हो चुका है। अब इसमें मैंने गर्म पानी कर लिया है, और इसे मैं 2 से 3 घंटे तक गर्म पानी में भिगो करके रख देती हूँ, फिर 3 घंटे बाद देखेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, इसको 2-3 घंटे भिगो दिया, अब मसल करके और इसको धो लेंगे, जितने छिलके उतरने होंगे उतर जाएंगे, और फिर उसको इसमें छान लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। मैंने इसको 10 मिनट के लिए कॉटन के कपड़े पर फैला दिया, 10 ही मिनट फैलाया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट फैला लीजिएगा। और इस तरह के अब हम इसे एक जार में डाल करके पीसेंगे, बड़े में कर लीजिए, छोटे में। मैं छोटे में इसलिए करना पसंद करूंगी क्योंकि इसमें जल अच्छी तरह से हो जाएगा, और बड़े में जो है फिर बार बार करना पड़ता है, कुछ बच जाता है, कुछ हो जाता है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे विदाउट वाटर, बिना पानी के। अब इस पीसे हुए को हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से हम सारा पीस लेते हैं। देखिए, दुरदुरा करना है हमें, अभी एकदम से पाउडर नहीं करना है। इस तरह से दुरदुरा पीस करके और इसको हम थाली में फैला देंगे। आप या तो 2 थाली में 3 में जितना भी फैलाना चाहें, जितना पतला फैलाएंगे फ्रेंड्स उतना जल्दी सूखेगा। इसको हम 2-3 दिन धूप में डाल देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो अभी तो इतनी गर्मी है, उस गर्मी में अपने आप ही सूख जाएगा ये। आप इसको जहाँ भी रखेंगे, कहीं इस जगह ऐसी जगह रखिएगा जहाँ थोड़ी गर्माहट ज़्यादा हो, तो ऐसे रखेंगे तो फ्रेंड्स ये सूख जाएगा। अब मैं इसको 2-3 दिन सुखाऊंगी, और सुखाने के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा। और इस तरह से आप बना करके इस पाउडर को यदि आप रखेंगे तो रियली आप एंजॉय करेंगे, कि जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है और आप लहसुन खाते हैं और ज़रूरत पड़ती है, तो पाउडर जैसा हम नमक डालते हैं या स्प्रेड करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं स्प्रिंकल, जैसे टमाटो पाउडर करते हैं, उसी तरह से आप इसको भी एक चुटकी भर करेंगी तो आपकी उन चीज़ों में बहुत अधिक स्वाद हो जाएगा। तो आप एक बार बना करके देखिएगा,
और अगर छोटे वाला पतला पतला सा लहसुन है जैसा मेरे पास था तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो जो है छीलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से करेंगे तो ये हमारे काम भी आएगा। फ्रेंड्स, ये हमने जो गार्लिक का यानी लहसुन का जो दिन दो दिन पहले मैंने ये बना करके और आपको दिखाया था और सुखाने रख दिया था, वो आज सूख गया है देखिए। और कितना बढ़िया है, यानी इसमें से खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। इसको मैंने कपड़े से ढक करके धूप में रख दिया था और ये डेढ़ दिन के अंदर ही सूख गया, क्योंकि आजकल बहुत जो है वो धूप है, तेज है। तो अब मैं छोटे जार में डाल डाल करके इसको और हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक पिस गया है। आप छानना चाहें तो छान सकती भी हैं इसको। और जो ये थोड़ा सा मोटा निकले उसको फिर से पीस लेंगे। ये देखिए एकदम बारीक हमारा गार्लिक पाउडर जो है वो तैयार है। अब आप इसको किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर कंटेनर में या किसी बॉटल में भर करके रख दीजिएगा। और ये लंबे समय तक चलता है फ्रेंड्स, इसको आप साल भर के लिए भी बना करके रख सकती हैं। तो इस तरह से बनाइए और यूज़ कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।